तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षा पॉइंट पर। तो बच्चों, पिछली वीडियोस में जो है हमने कक्षा 8वीं की जो दूसरा अध्याय दे रखा है एक अक्षर वाले रैखिक समीकरण, तो इसकी प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को किए हैं। समझ में आ गया? अगर आप इनको बेसिक से लेकर के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सही तरीके से सही ढंग से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन क्या करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को सही तरीके से सही ढंग से करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.2 के सवाल को। तो क्या बोला प्रश्नावली 2.3 में कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 3x बराबर में 2x प्लस में 18। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका हल याद करेंगे और उसके बाद उसकी जांच करेंगे कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है या नहीं है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम हल याद करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3x दे रखा है और यहाँ पर 2x दे रखा है, इस 2x को हम क्या करेंगे, पक्षांतरित करेंगे। तो ये कितना हो गया, 3x, और जब पक्षांतरित करेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा और यह जाएगा माइनस का 2x। इधर कितना पड़ा है बोलो बच्चों, 18 पड़ा है। समझ में आ गया? अब ये पक्षांतरण की जो विधि है ये आपको बेसिक के पार्ट में बताया हुआ है किस प्रकार से समीकरणों को हल करना है। अगर आपने बेसिक के पार्ट को नहीं देखा तो सबसे पहले उसको आप जा करके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये 3x माइनस का 2x हो गया, 3x में से जब 2x जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, खाली एक्स बच जाएगा। समझ में आ गया? बड़ी वाली संख्या के पास प्लस का चिन्ह है तो प्लस का एक्स बराबर में यहाँ पर कितना पड़ा है, 18 पड़ा है। समझ में आ गया? तो हमारे पास में चर का मान यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। समझ में आ गया? अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका किस प्रकार से हमें जांच करना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, एक्स का मान कितना, 18 है ना, इस एक्स के मान को हम यहाँ पर रख देंगे। ये 3 के साथ में एक्स जुड़ा हुआ है ना, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 3 की गुणा जब 18 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 3 8 है 24 का 4, हासिल पाई 2 हो गया, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ये कितना आ गया, 54 आ गया। तो ये तो हम बात करिए हमारा बाएं तरफ वाली संख्या, अब दाहिने तरफ वाली संख्या को अगर वो भी 54 आ जाता है तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दो, इधर कितना दे रखा है, 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना रख देंगे हम, 18 रख देंगे, तो 2 इंटू 18 और प्लस में यहाँ पर क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। तो 2 की गुणा जब 18 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, जब 2 की गुणा 18 के साथ करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और 36 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, 54 आ गया। तो हमारा जो यहाँ पर चर का मान है वो कितना आया, 18 आया, ठीक है। अब इसकी हमने जांच कैसे की, हमने इन दोनों पक्षों में x की जगह पर मान रख दिया। अगर इनके मान पर क्या आ जाता, ये इधर वाली संख्या अलग आ जाती है और इधर वाली संख्या अलग आ जाती है, तो हम कह सकते थे कि ये जो हमारा मान आया है, चर का जो मान है वो गलत है। पर हमने जो मान निकाला है उसको जब यहाँ पर रखें तो दोनों पक्षों का मान क्या आया, समान आया, एक जैसा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमने चर का मान ज्ञात किया ये बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? तो अब हम देखते हैं अपने दूसरे सवाल को। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये 5t है ना और इधर 3t दे रखा है, तो इस 3t को पक्षांतरित करके इधर लाएंगे, तो ये तो 5t पड़ा है, इसको पक्षांतरित करेंगे तो इसके चिन्ह पर परिवर्तन आ जाएगा, ये प्लस का 3t इधर आएगा तो माइनस का। अब ये माइनस का 3 है ना, इसको जब हम क्या करेंगे, इसको भी पक्षांतरित करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये कितने, इधर तो माइनस का 5 पड़ा है ना, ये जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, 5t में से 3t को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2t, माइनस का 5 और प्लस का 3, मतलब माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 गया कितना बचेगा बोलो बच्चों, 2 बचेगा। बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो 2 है इस टी के साथ में गुणा में है, ठीक है, तो जब गुणा में रहता है और उसको पक्षांतरित करते हैं तो वो भाग में यानी कि बट्टे में चले जाता है। माइनस में, माइनस के 2 में 2 का भाग देखो कितनी बार में, 2 के पहाड़े में एक बार में, ये भी 2 के पहाड़े में एक बार में, तो टी का मान कितना आया, माइनस का 1 आया, ठीक है। अब इस माइनस के 1 को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इस टी के जगह पर, यानी कि इधर वाला जो मान आएगा वो इधर वाले के बराबर होगा, ठीक है। माइनस 1 रखने पर किसकी जगह पर, टी पर, टी के जगह पर अगर हम माइनस 1 का मान रखेंगे तो इधर का जो मान आएगा इधर के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करें, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, x के मान को यहाँ पर भी रखा था, यहाँ पर भी रखा था, उसी तरीके से यहाँ पर t के मान को दोनों पक्षों में रखना है। मान अगर बराबर आता है तो वो जो जो वैल्यू हम निकाले रहेंगे वो सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, 5x प्लस 9 बराबर में 5 प्लस में 3x। तो यहाँ पर ध्यान दो, इधर एक चार है और इधर एक, तो इस चार को हम पक्षांतरित करके इधर की ओर ले आएंगे, तो इधर तो 5x पड़ा है ना, और इधर कितना है, 3x है, 3x को जब पक्षांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। अब यहाँ पर क्या पड़ा है, 5 पड़ा है ना प्लस का, और
इधर 5 प्लस का पड़ा और इस प्लस के 9 को जब हम पक्षांतरित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का। अब 5x में से 3x गया, कितना बच गया 2x बच गया। 5 9, ये प्लस का 5 है, माइनस का 9 है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया 4 बच गया। बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 9 है ना, 9 के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 4, तो x बराबर कितना आया माइनस का 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आया बोलो बच्चों, माइनस का 2 आया, ठीक है। और इस माइनस के 2 को हम इन x की जगह पर रखेंगे, तो इधर वाला जो हमारा क्या है, इधर वाली जो संख्या है, इधर वाली संख्या की अगर बराबर आती है तो हमारा ये मान क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये होता है जांच करने का तरीका। तो अब हम बढ़ते हैं अपने, तो अब हम कर रहे हैं चौथे सवाल को, बिल्कुल सरल है, एकदम सरल है, ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा। तो ये देखो, यहाँ पर जेड क्या है, चर में है, और यहाँ पर 2z क्या है, यहाँ पर 4z और यहाँ पर 2z, ये दोनों क्या है, यहाँ पर चर है ना, तो पहले चर को हम एक तरफ लेकर आएंगे, तो ये तो 4z है। जब इस 2z को हम पक्षांतरित करके इधर की ओर लाएंगे तो ये तो प्लस का 2z दे रखा, इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, बराबर में 6, तो प्लस का दे रखा है, ये प्लस का 3, एक पक्षांतरित करेंगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 4z में से 2z बच गया, तो कितना बच गया 2z, एकदम सरल है। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये तो 6 दे रखा ना, 6 में से तब 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 3 बचेगा, समझ में आ गया। अब z बराबर कितना आ गया 3/2, तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आई बोलो बच्चों, z की वैल्यू या कह दे या फिर z का मान कह दे, कितना आया 3/2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं इसके पांचवें सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो 2x दे रखा है और ये x दे रखा है, तो ये तो 2x और ये माइनस का x है, जब इसको पक्षांतरित करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का x, अभी इधर 14 पड़ा है, अब ये माइनस का एक, इसको पक्षांतरित करेंगे तो प्लस का एक आ जाएगा, तो 2x और x कितना हो गया 3x, बराबर में कितना हो गया यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, गुणा में इसको पक्षांतरित करेंगे तो ये बट्टे में अर्थात भाग में ये संख्या चली जाएगी, तो 3 एकम 3, 3 5 से 15, तो x का मान कितना आया 5 आया। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस 5 के मान को यहाँ पर और यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे, इधर वाले पक्ष का मान इधर वाले पक्ष के बराबर रहता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, सही, और अगर नहीं आता तो आंसर गलत निकालें आप, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हम छठे सवाल को, तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये तो 8x प्लस में 4 पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 3 दे रखा है, ठीक है, इसके आगे किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो ये गुणे का चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर में संख्या क्या दे रखी है x माइनस का 1, तो इस 3 की गुणा वितरकता के नियम के साथ, पहले x के साथ फिर माइनस के 1 के साथ होगी, समझ में आया बच्चों। फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आपने बेसिक की वीडियो में नहीं देखा है तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जा करके बेसिक वीडियो की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप बेसिक वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो 3 की गुणा जब x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दिया, जब 3 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3, प्लस के यहाँ पर कितना पड़ा है 7 पड़ा है 8x। अब इस प्लस के 3 को पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का 3x हो गया, माइनस का 3, प्लस का 7 पड़ा, और इस प्लस के 4 को पक्षांतरित करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान दो, 8x में से 3x गया, कितना बच जाएगा 5x, बराबर में माइनस 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 ये वाला माइनस का 4, ये वाला माइनस का 4, माइनस का 7 और प्लस का 7, प्लस के 7 से माइनस के 7 कट जाएगा, तो 5x बराबर 0 हो गया, अर्थात x बराबर में 0/5, यानी कि x का मान कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया, एकदम सरल है। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 0 हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।